किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार, वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार, तेज पुंज तुम शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार, ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। '57 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नड़ियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों बेटी मणि बहन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ बरसों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांवों की धूल थी।
हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कसमें खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए, तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बची। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थी, आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही छेनी हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा,